हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जितने भी हमारे आईआईटी जाम के एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर कि आपके एग्ज़ाम का 50% वेटेज एमसीक्यूज का है, जिसकी आपको डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जो टाइम आप किसी शायद ऐप में स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देते हो, वो आपने थोड़ा 5-10 मिनट भी यहाँ पर स्पेंड किया हमारे इस ऐप में, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकते। ओके, सो जब भी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हो, तो पहले खुद से सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वॉट इज़ दी फास्टेस्ट, क्विकेस्ट एंड करेक्ट वे टू रीच दी आंसर। आप अपने खुद के स्किल्स पे आप लोगों को मेहनत करनी है, एंड आई विल बी ऑल्सो गाइडिंग यू कि क्या था सही तरीका उस आंसर तक। ओके, तो देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे। पहला सवाल आप सभी के लिए है, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो पार्ट होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन का, जो पार्ट होता है, प्रेजेंट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, पूछा गया इनमें से कौन सी बात सही है। क्या लिपिड्स मैक्सिमम अमाउंट में होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम है या मैक्सिमम है, या तीनों इक्वल प्रपोर्शंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल प्रपोर्शंस में तो नहीं होते हैं। अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें सेल मेम्ब्रेन को, तो कुछ इस तरीके से लिपिड का हेड एंड टेल का हमको ये अरेंजमेंट नज़र आता है। कुछ इस तरीके से बच्चों हमको ये लिपिड का हेड एंड टेल नज़र आता है, जिसमें हमको प्रोटीन्स भी एम्बेडेड नज़र आते हैं। प्रोटीन कभी किसी एक लीफलेट पे हो सकते हैं, या प्रोटीन दोनों लीफलेट को भी स्पैन कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारा वो किस टाइप का प्रोटीन है, डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोटीन है, उसके हिसाब से हमको चीज़ें देखने को मिलती है। उसके अलावा तो ये तो बात होगी कि लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं हेड एंड टेल फॉर्म में, देन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं, ये रिसेप्टर्स का काम करते हैं, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चों शुगर्स की, तो शुगर्स हमारे इन लिपिड्स को भी अटैच हो सकते हैं, या फिर प्रोटीन्स को भी अटैच हो सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, बस हाँ जो शुगर्स रहेंगे वो हमेशा आउटर लीफलेट में ही हमको देखने को मिलते हैं। सो वही पूछा गया है बच्चों कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो पार्ट है हमारे सेल मेम्ब्रेन का, उनमें से उनके बारे में कौन सी बात सही है। फर्स्ट बोला जा रहा है कि लिपिड्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बायोमोलिक्यूल हमको एक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है वो होते हैं लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये इंटरमीडिएट कैटेगरी में आएंगे, ना मिनिमम होते हैं ना मैक्सिमम होते हैं, इक्वल प्रपोर्शंस में तो नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है बच्चों लिपिड का। ठीक है, इसको फ्लूइड मोजैक मॉडल से भी एक्सप्लेन किया था सैंगर एंड निकल्सन ने, हु हैव सेड दैट लिपिड्स जो है वो पानी की तरह है एंड प्रोटीन्स आर लाइक द शिप। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स है जो उसको एक्सप्लेन करता है कि फ्लूडिटी मेंटेन की जाती है यूजिंग दीज लिपिड्स। तो लिपिड्स जो रहते हैं इनका सबसे हाई अमाउंट देखने को मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इन अ लिपिड बायलेयर फैटी एसिड टेल्स दे फेस ईच अदर विद इन द बायलेयर एंड फॉर्म अ रीजन दैट एक्सक्लूड्स वाटर, तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे। अब देखा जाए तो आपको जो मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया था, अगर हम बात करेंगे इस लिपिड की, तो लिपिड जो रहता है एक तो उसका बच्चों हेड पोर्शन रहता है, एंड लिपिड का हमको एक टेल पोर्शन भी देखने को मिलता है। इसका जो ये हेड पोर्शन रहता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक, इसको हम बोल सकते हैं पोलार या वाटर लविंग। द टेल पार्ट इट इज हाइड्रोफोबिक एंड इट इज नॉन पोलार नेचर। ये हाइड्रोफोबिक रहता है प्लस दिस इज नॉन पोलार इन दी नेचर। तो अगर हम बात करते हैं हमारे लिपिड के बायलेयर की, तो फैटी एसिड्स बिल्कुल एक दूसरे को फेस करके रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हेड है, ये हेड पोर्शन है, अंदर वाला टेल पोर्शन है जो हाइड्रोफोबिक रीजन है। तो वही बात की जा रही थी कि जो ये फैटी एसिड टेल्स एक दूसरे को फेस करके रहते हैं, यहाँ पे क्या रीजन बनता है, तो यहाँ पे जो रीजन बनता है जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आ सकता, दैट रीजन इज एक्चुअली हाइड्रोफोबिक, मतलब जिसको वाटर नहीं पसंद, फोबिक, फोबिया ऑफ वाटर, समथिंग लाइक दैट यू कैन रिमेम्बर।
टेट्रोडोटॉक्सिन इज जनरली नोन एज. तो बच्चों अगर हम बात करते हैं टेट्रोडोटॉक्सिन की तरह डिफरेंट टॉक्सिन्स, इसमें से ये क्या करता है, दिस विल ब्लॉक दी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. ये हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ न्यूरो टॉक्सिन एज वेल. ठीक है, ये क्या करते हैं, तो जो हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ दीज एक्शन पोटेंशियल एंड एवरीथिंग, वहाँ पे अगर ये टॉक्सिन प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में, इसकी वजह से ब्रेन में जो सिग्नलिंग है वो स्टॉप करवाई जा सकती है. तो जो ये टेट्रोडोटॉक्सिन रहता है, ये दरअसल एक ब्लॉकर होता है हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का. अगला सवाल, ग्लाइकोफोरिन इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स RBCs का काम होता है टू कैरी द ऑक्सीजन एज वेल एज CO2. तो ग्लाइकोफोरिन जो है ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो हमको RBC के सरफेस पे देखने को मिलता है. उसके बाद में पूछा गया कि कितने बार मेम्ब्रेन को स्पैन करता है बच्चों, तो याद रखना है ग्लाइकोफोरिन सिर्फ एक बार ही मेम्ब्रेन को स्पैन करेगा. अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग होता है, जैसे GPCR है वो 7 times स्पैन करता है, बट ग्लाइकोफोरिन जो है वो सिर्फ एक बार ही मेम्ब्रेन को स्पैन करता है. अगला सवाल, बेस्ड ऑन योर नॉलेज अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एपिथीलियल सेल मेम्ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द रिहाइड्रेशन थेरेपी टू वर्क सक्सेसफुली इन केस ऑफ डायरिया. देखो, रिहाइड्रेशन अगर हमको करना है, अगर हम इनफ फ्लूइड्स कंज्यूम नहीं करते हैं, इनफ वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं. आप सबने सुना होगा कि अब बोला जाता है कि आपको स्किन अच्छी रखनी है तो बहुत सारा पानी पियो, दैट विल कीप योर स्किन हाइड्रेटेड, दैट विल कीप यू गुड. तो पूछा गया है कि जब डायरिया होता है तब भी हमारे बॉडी में वैसी कंडीशंस आती है, और अगर हमको रिहाइड्रेशन थेरेपी करना है तो हमें इनमें से कौन सा सोल्यूशन लेना चाहिए बच्चों? तो आप सबने देखा होगा कि इलेक्ट्रोल, ग्लूकॉन डी, ऐसी कुछ चीज़ें सजेस्ट की जाती है. एंड जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो पानी में हमको सॉल्ट्स ऐड करके लेने बोलते हैं. इलेक्ट्रॉल्स जो होता है, इलेक्ट्रॉल में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं जो हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में अल्टीमेटली हेल्प करेगा. तो यस, इफ़ वी वांट टू डू दी रिहाइड्रेशन थेरेपी, तो रिहाइड्रेशन थेरेपी किससे होता है? जब हम इनफ सफिशियंट सॉल्ट सोल्यूशन का अपटेक करते हैं. ओके, तो आई होप ऑल दी क्वेश्चन आर क्लियर टू एवरी वन. डेली आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट पे और जाके क्वेश्चन को से ट्राई करना है, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगी फाइनल एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन को समझना, उसमें क्या कंसेप्ट यूज़ करना है, उस कंसेप्ट को यूज़ करके कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि MCQs में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो गलत करोगे तो आपके नंबर जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे. तो गड़बड़ गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन. यू हैव टू विजिट दी वेबसाइट ifasonline.com. वहाँ पे आपको IIT जाम के बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शन सेलेक्ट करके जब आप लर्न फ्री में जाओगे तो टेस्ट सीरीज के अंदर, स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर आपको लाइन से यूनिट टेस्ट मिलने वाले हैं. तो जाइएगा बच्चों, डे वन से लेके 99th डे तक भी हम आ रहे हैं, तो बस एक और दिन है, तो आप लोगों ने जाके सारे क्विज को एक बार खुद से ट्राई करो. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, वेरी हैप्पी लर्निंग.